तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं EOS R5C या फिर कोई भी कैनन कैमरे का आपको फर्मवेयर जो अपडेट है वो किस तरीके से करना होता है और उसमें किन किन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये देखते हैं हम इसको कैसे। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले कैनन की जो ऑफिशियल कैनन इंडिया की वेबसाइट है वहाँ पर हमको जाना होता है और वहाँ पर आपको जो वेबसाइट है उस पर मिलेगा सपोर्ट का ऑप्शन। तो आपको सपोर्ट पर जाकर आपको अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम डालना होता है। सपोज़ अभी हम लोग करने वाले हैं R5C का अपडेट, तो जैसे ही आप R5C यहाँ डालते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर अभी आज हम R5C का अपडेट करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर और एक फर्मवेयर। तो फर्मवेयर पे हम जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट होने के बाद में देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग अपडेट है, इसमें अगर आपका सिस्टम तो मैक का यहाँ पर आपको दिखा देगा। अभी हम लोग विंडो यूज़ में ले रहे हैं, तो ये विंडो में जो लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट आया है वो आया है 1.0.6.1। तो यहाँ पर हमको इस पे जाना है और इसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डाउनलोड्स में आपका एक जिप फोल्डर यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप इस जिप फोल्डर को आपको अनजिप करना होता है, तो उसके बाद में आप, जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, आपके डाउनलोड्स में एक जिप फोल्डर है। तो इसको जैसे ही हम लोग यहाँ से, एक बार मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसकी लोकेशन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, लोकेशन चेंज करने के बाद में यहाँ पर हमको इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस। तो जैसे ही हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए आप, एक फोल्डर है जो जिप है, एक है अनजिप। तो अनजिप वाले फोल्डर को हमको, जिस जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर को, जैसे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। तो इसको हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद में आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर PDF भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक जो .fir फाइल भी आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये जो .fir फाइल होती है इसको आपको अपने कार्ड में डालना होता है और उसको आपके फर्मवेयर, मतलब यही आपका लेटेस्ट फर्मवेयर सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो PDFs हैं, ये PDF बेसिकली आप अगर देखेंगे EN, मतलब ये आपका इंग्लिश वर्जन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जैपनीज में मिलेगा आपको, फ्रेंच में मिलेगा। तो अभी हम लोग इंग्लिश का इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है कि आपको किस तरीके से कैमरा का जो फर्मवेयर है वो आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया हुआ होता है कि आपका कैमरा अगर सही से अपडेट नहीं होता है तो उस दौरान आपका, यहाँ पर लिस्ट बताई हुई है, स्टेप टू स्टेप आपको पूरा सिस्टम बताया हुआ है जिससे कि आप अपने कैमरा को, आपको सही तरीके से आप इसका फर्मवेयर अपडेट कर सकें। कैमरा अपडेट नहीं होने की सिचुएशन में काफ़ी हेडल्स का आपको सामना करना पड़ता है। आपको कैमरा सर्विस सेंटर पर बेच कर आपको दोबारा से उसको फिक्स कराना होता है। तो उससे अच्छा है अगर आप स्टेप टू स्टेप इसको अपडेट करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप वन, कि आपके पास में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कैमरा बॉडी जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर जैसा कि हम लोगों ने अभी ले रखा है, एक मेमोरी कार्ड चाहिए होगा, एक कार्ड रीडर चाहिए होगा और साथ में एक बैटरी बैक चाहिए होगा जो कैमरे के साथ आता है। साथ का मतलब है यहाँ पर ओरिजिनल सप्लाई किया हुआ बैटरी। अगर आप डुप्लीकेट बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम का सामना करने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, कि फर्मवेयर वर्जन आपको किस तरीके से डाउनलोड करना होता है और किस तरीके से आपको अपडेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि पावर जो बटन है वो वीडियो पे आपको करना है, उसके बाद आपको मेन्यू में जाना है, सिस्टम सेटअप में जाना है, फर्मवेयर में जाना है और कैमरा में जाके वहाँ पर आपको कर देना है। तीसरा आपका जो स्टेप थ्री है, कि आपके SD कार्ड में आपको आपका फर्मवेयर डालना होता है। तो जैसा कि हमने अभी जो फर्मवेयर डाउनलोड किया था, तो हम वो फाइल को SD कार्ड में डालेंगे और उसके बाद में उसको करेंगे। बट उससे पहले यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले आपका SD कार्ड इनिशियलाइज करना होता है, मतलब फॉर्मेट करना होता है आपके कैमरा में।
उसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा को ऑफ करने के बाद में आपने चाहे विंडो से लिया हो चाहे मैक ओएस से आपने डाउनलोड किया हो, जो FIR फाइल जो हमने अभी पहले यहाँ पर देखी थी, तो वो फाइल को आपको SD कार्ड में डालना होता है और SD कार्ड में डालने के बाद में उसको अपडेट करना होता है। तो दोस्तों ये बेसिकली जो PDF है ये आपको पूरा किस तरीके से कैमरा में अपडेट करना होता है वो आपको बताते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं और हमने जैसा कि स्टार्टिंग से हम बात करते हैं तो हमने जो डाउनलोड किया था फर्मवेयर उसका फाइल ये वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कॉपी कर लिया है और जो कैमरा है हमने उसमें SD कार्ड को ऑलरेडी फॉर्मेट कर लिया है और फॉर्मेट करने के बाद में हमने वो जो SD कार्ड है वो हमारे लैपटॉप में लगा दिया है। तो अब जैसे ही हम लोग लैपटॉप में लगा देंगे, जैसे ही हम लोग लैपटॉप को लगा देंगे तो हमें हमारा लैपटॉप में जो SD कार्ड है उसको खोलना है। तो आपको फॉर्मेट करने के बाद में ये दो फोल्डर बने हुए होते हैं, तो आपका जो FIR फाइल है जो हमने अभी कैनन वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो हमको बाहर ही पेस्ट करना होता है। तो आप कभी इस फोल्डर के अंदर पेस्ट मत कीजिएगा या नया कोई फोल्डर क्रिएट करके पेस्ट मत कीजिएगा, अगर वो करते हैं तो फिर कैमरा वो फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। तो आपको जस्ट आपको यहाँ से देखिए मैंने जो कैमरे का जो SD कार्ड है उसको बाहर बिना फोल्डर बनाए यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद में आप कार्ड को इंजेक्ट कीजिए, तो आप कार्ड इंजेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली कार्ड को निकालना है और ये कार्ड आपको लगा देना है आपके कैमरा बॉडी पे। तो दोस्तों आपने देखिए जैसे ही ये कार्ड लगाया और आप जैसे ही वीडियो पर जाते हैं, तो वीडियो पर जाने के बाद में यहाँ पर आप जाएंगे फर्मवेयर वाले ऑप्शन पे, जहाँ पर आपको फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ गया तो अभी जो है आपका कैमरा आपको साइन दे रहा है कि जो पहले वाला वर्ज़न था आपका था 1.0.3.1, अभी जो वर्ज़न हो जाएगा आपका इसको अपडेट के बाद में वो हो जाएगा 1.0.6.1। तो आपका जो लेटेस्ट वाला फर्मवेयर है वो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इस दौरान आपको कैमरा में हाथ नहीं लगाना होता, कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना होता जब तक कि ये फुल अपडेट ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी कैनन कैमरा का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। इसी के अलावा जो मिररलेस कुछ कैमराज हैं जिनमें आप कैनन की एप्लीकेशन के थ्रू भी फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।